नमस्कार दोस्तों, आज हम राजस्थान के टॉप 20 क्वेश्चन की सीरीज को प्रारंभ करते हैं जो आपके सभी प्रतियोगिता और परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो हम प्रारंभ करते हैं राजस्थान के प्रमुख मेले से। तो इसका पहला प्रश्न है, किस मेले को आदिवासी का कुंभ कहा जाता है? तो ऑप्शन है, पहला भृतहरि का मेला, दूसरा बेणेश्वर का मेला, तीसरा कोलायत का मेला, चौथा गणेश का मेला। तो इसका सही आंसर है दूसरा, बेणेश्वर का मेला, जो आदिवासियों के लिए पवित्र स्थल माना जाता है बेणेश्वर का, और ये डूंगरपुर जिले में स्थित है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, जिला जिसमें भरतहरी का मेला आयोजित होता है? ऑप्शन है, पहला जयपुर, दूसरा भरतपुर, तीसरा अलवर, चौथा दूसा। तो इसका सही आंसर है अलवर, भरतहरी का मेला अलवर में आयोजित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बोरा समुदाय का प्रमुख उर्स लगता है? ऑप्शन है, अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह पर, फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर, तीसरा है गलियाकोट में बाबा फखरुद्दीन की दरगाह पर, चौथा है अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर। तो इसका सही आंसर है तीसरा, गलियाकोट में बाबा फखरुद्दीन की दरगाह पर बोहरा समुदाय का प्रमुख उर्स लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सीताबाड़ी का मेला किस जिले में लगता है? ऑप्शन है कोटा, दूसरा बाड़मेर, तीसरा बारा, चौथा चित्तौड़गढ़। सीताबाड़ी का मेला 12 जिले में लगता है। अगला प्रश्न को देखते हैं, बादशाह का मेला भरता है? ऑप्शन है ब्यावर में, दूसरा कोटा में, तीसरा सवाई माधोपुर में और चौथा दूसा में। तो इसका सही आंसर राइट है ब्यावर में, जो बादशाह का मेला भरता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला नहीं है? ऑप्शन है, पहला नागौर, दूसरा पुष्कर, तीसरा रामदेवरा, चौथा तिलवाड़ा। नागौर, पुष्कर, तिलवाड़ा ये तीनों ही पशु मेले हैं, जबकि रामदेवरा पशु मेला नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? तो ऑप्शन है बाणगंगा, दूसरा है श्री महावीर जी, तीसरा है केला देवी, चौथा है करणी माता। तो इसका सही आंसर है करणी माता, जिसे देशनोक की देवी भी माना जाता है। 18 प्रश्न है, किस शासक के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ है? तो ऑप्शन है उमेर सिंह, दूसरा राम सिंह, तीसरा दुर्जन साल, चौथा माधो सिंह। तो इसका सही आंसर है माधो सिंह के काल में ही दशहरा मेला कोटा में लगना प्रारंभ हुआ था। तो 9वां प्रश्न देखते हैं, तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है मेड़ता सिटी नागौर, दूसरा पर्वतसर नागौर, तीसरा देशनोक बीकानेर, चौथा गोगामेड़ी गंगानगर। तो इसका सही आंसर है पर्वतसर नागौर को तेजाजी का मेला आयोजित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? तो ऑप्शन है, पहला गरासिया, दूसरा भीलमीणा, तीसरा सहरिया, चौथा कालबेलिया। तो इसका सही आंसर है सहरिया, सीताबाड़ी जनजाति से संबंधित है ये मेला। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से असंगत को पहचानिए। बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में लगता है, बादशाह का मेला ब्यावर में लगता है, तीसरा मुरु महोत्सव का मेला बाड़मेर में नहीं लगता है, गोतमेश्वर का मेला सिरोही में लगता है। तो इसका सही आंसर होगा मुरु महोत्सव बाड़मेर, जो कि ये असंगत दिख रहा है। 12वां प्रश्न देखते हैं, हनुमानगढ़ जिले में भादवा मास में कौन सा मेला भरता है? ऑप्शन है चारभुजा मेला, दूसरा गोगा मेड़ी का मेला, तीसरा है केसरिया नाथ जी का मेला, चौथा जम्बेश्वर का मेला। हनुमानगढ़ में गोगा जी का स्थान है, इसलिए वहाँ पर कौन सा मेला भरता है? गोगा मेड़ी का मेला। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 है, जलजूलनी एकादशी का मेला भरता है? ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, दूसरा है बूंदी में, तीसरा है जयपुर में, चौथा है धौलपुर में। जलजूलनी एकादशी का मेला कहाँ भरता है? तो वो भरता है चित्तौड़गढ़ में। और अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वो लाइक कर लें। 14वां प्रश्न देखते हैं, हिंदू मुस्लिम सद्भाव का सर्वोत्तम मेला है? ऑप्शन है गोगा मेला, दूसरा तेजा मेला, तीसरा रामदेवरा मेला, चौथा है मल्लिनाथ जी का मेला। तो इसमें सही आंसर है तीसरा, रामदेवरा का मेला हिंदू मुस्लिम सद्भाव का सर्वोत्तम स्थान है। तो ये रूणीचा के नाम से भी प्रसिद्ध है, ये जैसलमेर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, 15वां, राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है? तो ऑप्शन है माता कुंडलिनी का मेला, दूसरा पुष्कर का मेला, तीसरा बेणेश्वर का मेला, चौथा केसरिया जी का मेला। तो इसका सही आंसर है पुष्कर का मेला राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है।
जो कि कहाँ है, तो अजमेर में। 16 प्रश्न देखते हैं, कौन से युग युग में से असंगत है। पहला है घोघा मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को पड़ता है, ये राइट है। दूसरा तेजा मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को पड़ता है, ये भी राइट है। तो तीसरा रामदेव का मेला भाद्रपद शुक्ला एकादशमी को पड़ता है, ये राइट है। मलिननाथ जी का मेला चैत्र कृष्ण एकादशमी को नहीं पड़ता है, ये रॉन्ग है। अगला प्रश्न देखते हैं 17वां, गणेश जी का प्रसिद्ध मेला कहाँ पड़ता है, तो सवाई माधोपुर, दूसरा सिरोही, तीसरा अलवर, चौथा कोटा। तो सवाई माधोपुर में गणेश जी का सुप्रसिद्ध मंदिर है और रणथंभौर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं 18वां, करणी माता का मेला कहाँ पड़ता है, तो देशनोक बीकानेर, दूसरा कोलायता बीकानेर, तीसरा है तिलवाड़ा बाड़मेर, चौथा है पिपलोद बाड़मेर। तो सही आंसर है देशनोक बीकानेर, जिसे चूहोवाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। 19वां प्रश्न देखते हैं, शीतला माता का मेला भरता है, ऑप्शन है दौसा जिले में, दूसरा जयपुर जिले में, तीसरा भरतपुर जिले में, चौथा अलवर जिले में। तो शीतला माता का मेला कहाँ भरता है, तो ये है जयपुर जिले में, इसका सही आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा युग्म असंगत है। पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, दूसरा है केला देवी का मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगता है, तो तीसरा गणेश मेला भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को लगता है, चौथा है महावीर जी मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, ये गलत है। तो ये तीनों, पहला दूसरा और तीसरा, ये राइट है और चौथा रॉन्ग है। अगला देखते हैं, कजली तीज किस जिले में स्थित है, बूंदी में, ये भाद्रपद कृष्ण तृतीय को मेला लगता है, खेजड़ली शहीदों का खेजड़ली जोधपुर स्थान है वहाँ पर मेला लगता है, ये कब लगता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। और बाणगंगा मेला जयपुर में लगता है, और मलिनाथ जी का मेला किस स्थान पर लगता है, तिलवाड़ा में, तारकिन का उर्स डूंगरपुर में, और सीता माता का मेला कहाँ लगता है, प्रतापगढ़ जिले में, और अजमेर का उर्स जो कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का है, तो वो लगता है अजमेर में। अगला, यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट तथा शेयर करके हमें ये जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।